हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में हम पार्किंसन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी, किसको हम पार्किंसन डिजीज के नाम से बुलाएंगे, किस पर्सन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसके कॉजेस के बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। वहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी डिसेबिलिटी फील्ड की। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पार्किंसन डिसीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि पार्किंसन डिसीज़ है क्या। पार्किंसन डिसीज़ एक तरीके की प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर उसको बोला जाता है जो एज के साथ बढ़ता है, यानी सिवियरिटी उसकी बढ़ती है। स्टार्टिंग तो कुछ माइनर से सिम्टम से हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ के जो है सीवियर हो जाती है। तो ऐसे डिसीज को जो है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बोला जाता है। ये ए नर्वस सिस्टम्स में इफेक्ट डालती है, और साथ ही इस पे बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं रहता है। बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो सही नहीं होती हैं, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्टिंग में बहुत थोड़े दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं ना के बराबर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी पता लगाने के लिए अर्ली से अर्ली, जितना जल्दी पता लगाया जाए किसी भी डिसीज को या डिसेबिलिटी को, तो उतना उस पर्सन के लिए अच्छा होता है। तो और सबसे माइनर और सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई देता है वो है हैंड की जो है उसका कांपना, शिफरिंग होना। कोई भी वो सामान उठा रहे हैं, गिलास का उठाना या कप जब उठा रहे हैं, या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, तो हाथ बहुत ज़्यादा जो है शिफरिंग होता है और कांपना शुरू कर देता है। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स जो है दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जो स्टिफनेस है बॉडी के अंदर दिखाई देती है, या मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो होती हैं। मतलब जितना स्पीड से हम लोग काम करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन करता है, पार्किंसन डिसीज के अंदर जो है वो मूवमेंट सही नहीं होती है। जो वो करना चाहते वो सही तरीके से नहीं करते। जेन्युइन सी बात है, जब आपकी बॉडी शिफरिंग कर रही है तो वो जो मूवमेंट्स है वो अपने आप ही धीरे हो जाती हैं, ताकि उसको लगता है पर्सन को कि वो चीज़ गिर ना जाए। होल्ड सही नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि मेरे हाथ से चीज़ें गिर जाएंगी, तो वो मूवमेंट जो है इसलिए और स्लो हो जाती है। पार्किंसन डिसीज के अंदर जो है कह सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर जो है वॉक करने में बच्चे पर्सन्स को दिक्कत आती है, स्पीच में दिक्कत आती है। इसके अलावा जो है ये कंडीशन जो है धीरे 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 जो है आगे बढ़ती चली जाती है। अधिकतर जो पार्किंसन डिसीज है वो मिडल एज या ओल्डर एज के अंदर दिखाई देती है, और इसके अंदर जो है इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए ही इसे RPWD एक्ट की जो 21 डिसेबिलिटी है उसको अंदर रखा गया है। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिंस के थ्रू। जो है इसके जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि पार्किंसन डिसीज को RPWD एक्ट 2016 के अंदर 21 डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है, तो उसके अंदर जो है पार्किंसन डिसीज की डेफिनेशन भी दे रखी है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। पार्किंसन डिसीज मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ द नर्वस सिस्टम मार्क बाय द ट्रेमर, मसल रिजिडिटी एंड स्लो इम्प्रिसाइज मूवमेंट, चिफली इफेक्टिंग मिडल एज एंड एल्डरली पीपल, एसोसिएटेड विद डेजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन एंड डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोमीटर डोपामाइन। जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि पार्किंसन डिसीज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है जो नर्वस सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम से होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है शिफरिंग करती है, मसल्स जो है रिजिड हो जाती हैं, मूवमेंट स्लो हो जाती हैं,
और साथ ही साथ ये जो होती है मिडल एज और एल्डर्स पीपल्स में जो है देखने को मिलती है, और ये बेसिकली ब्रेन के बेसल गैंग्लिया पार्ट के अंदर हो प्रॉब्लम की वजह से होती है। साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन हमारे देखने को मिलते हैं, वो हमारे उसकी डिफिशेंसी, उसकी कमी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की ओर बढ़ते हैं, या इनको करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, कि जो पार्किंसन डिजीज से जो पर्सन ग्रसित है उससे आप कैसे पहचानेंगे, किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं। सबसे पहला हमारा है ट्रेमर। ट्रेमर के अंदर जो है हमारे पर्सन की जो है बॉडी जो शेक करती है, कांपती है, और ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही पूरी बॉडी कांपना शुरू हो जाए। स्टार्टिंग पर्टिकुलर किसी एक लिम से जो है कांपती है, शुरू से शेक होती है, चाहे हैंड से, फुट से, लेग से, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि हैंड जो है सबसे पहले पर्सन्स के होते हैं शेक, और हैंड्स जो है जो आप कांपते हैं जिसकी वजह से ए पर्सन को किसी भी काम करने में दिक्कत आती है। अगर आप वो आराम से भी रख रहे हैं हैंड, अगर बेड पे आराम से भी रखा है तो भी वो हल्का हल्का कांपेगा, शेक करेगा। इसके अलावा शुरुआत में देखा जाता है कि पर्सन जब टास्क कर रहे होते हैं तब ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, लेकिन धीरे 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 जैसे वो बढ़ेगा तो फिर जब टास्क कर रहे हो तब भी जो है ये चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आता है स्लो मूवमेंट्स। यहाँ पर जब शिफरिंग हो रही है या आपका बॉडी पूरी कांप रही है तो धीरे धीरे जो मूवमेंट जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर चलने में दिक्कत होने शुरू हो जाती है, चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखने में जो है मूवमेंट स्लो हो जाती है। वो काम जो आप 1 मिनट में करेंगे या वहाँ पे वही पर्सन जो है वो 2 या 3 मिनट में जो है करेगा, और धीरे धीरे वो टाइम पीरियड भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा जो है चलने में पैर जो उठा कर रखा जाता है वो धीरे 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 जो है सीवियरिटी इतनी बढ़नी शुरू हो जाती है कि वो उठाने की बजाय पैर जो है घसीटने शुरू हो जाते हैं पर्सन, वो भी बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलने में, उठने में, बैठने में, कोई भी एक्टिविटी हो, डेली टास्क हो, वो उसे स्लो करते हैं और उन्हें ये करने में दिक्कत होती है, इसलिए ही वो जो है उस चीज को, टास्क को मुश्किल करते हैं। मेनली जो होता है बॉडी शिफ्टिंग कर रही है तो उन्हें लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, या जो है कंट्रोल जो बॉडी का होता है वो सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी मूवमेंट जो है बॉडी की वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम आता है रिजिड मसल्स। यहाँ पर जो मसल्स है उसमें इन पर्सन्स के अंदर मसल्स इनकी स्टिफ हो जाती हैं, यानी हार्ड हो जाती हैं, हर तरीके से मूव नहीं कर पाती हैं। तो स्टिफनेस की वजह से बॉडी के अंदर पेन भी होता है, और साथ ही साथ जो भी एक्टिविटी डेली लाइफ की होती है सभी एक्टिविटी जो है उन्हें करने में लिमिटेशन आती है, और जो करते हैं उसमें भी उनको पेन फील होता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बॉडी जो है अगर ज़्यादा लूज होगी तो भी जो है किसी भी काम करने में जो है दिक्कत आती है, लेकिन लूज के अंदर जो है पेन नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, कंट्रोलिंग पावर जो है कम हो जाती है। लेकिन स्टिफनेस के अंदर जो है पेन होता है बॉडी के अंदर, और जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस। यहाँ पर जो पर्संस हैं शिफरिंग हो रही है जिसकी वजह से बैलेंसिंग में कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाता है, चलने में उनको दिक्कत आती है। जब जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है तो वो बैलेंसिंग उतना जो है से कंट्रोल जो है पुअर हो जाता है उनका बॉडी पे। साथ ही साथ पोस्चर एबिलिटी जो है वो भी इनकी जो है दिक्कत होती है, उठने में, बैठने में, किस तरीके से बैठा जाता है, किस तरीके से चला जाता है, तो वो जो पोश्चर हमारे होते हैं वो सही नहीं होते हैं, और बैलेंस खराब होने की वजह से बहुत बार ये पर्सन जो है गिर भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी पे कंट्रोल है नहीं, बॉडी जो है शिफ्टिंग हो रही है तो कंट्रोल पूरा बॉडी पे ना होके शिफ्टिंग होने की वजह से वो गिर भी जाते हैं चलते चलते।
नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट। जो हमारी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे ब्लिंकिंग हो गया, स्माइलिंग हो गया हमारी, और बहुत सारी होती हैं। अचानक हमारी जैसे कुछ गिर रहा हो, हमारी आर्म्स जो है फटाफट ऊपर आ जाती हैं उसको होल्ड करने के लिए। तो जो ऑटोमेटिक हमारी मूवमेंट्स होती हैं उसमें भी ये उनमें कमी देखने को मिलती है, वो सही नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा स्पीच में प्रॉब्लम होती है। स्पीच में यहाँ पर बोलते वक्त उनके अटकेंगे, स्पीड जो है वो स्लो हो सकती है बोलने की, तो पैटर्न जैसे चेंज होगा, या कुछ वर्ड्स जो है वो सही प्रनाउंस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम देखने को स्पीच में भी मिलती है। राइटिंग चैलेंजेस आते हैं, जब हैंड जो सबसे पहले मैंने बोला इफेक्ट करता है, शिफरिंग होता है, तो जब वो लिख रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है पेन पे, जिसकी वजह से जो है उन्हें लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। सिम्टम्स या करेक्टरिस्टिक्स के अलावा पर्सन्स के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन हैं पार्किंसन डिसीज के सभी के साथ मिलेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये भी नहीं कह सकती कि ये पार्किंसन डिसीज के करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कह सकते हैं कि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी उनको शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले थिंकिंग डिफिकल्टीज बच्चों में या पर्सन्स के अंदर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थिंकिंग की, सोचने समझने की शक्ति जो है उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। डेमेंशिया, चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। हालांकि इसकी मेडिसिन जो है डॉक्टर्स देते हैं, बट वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती है इस स्टेज में। उसके बाद डिप्रेशन और इमोशनल चैलेंजेस, जब पार्किंसन डिसीज के करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने शुरू होते हैं, जब एक नॉर्मल पर्सन के अंदर किसी भी तरीके की डिसीज या डिसेबिलिटीज आती हैं, तो वो इमोशन चेंज होना जो है वो स्वाभाविक है। जल्दी गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, ये चीजें जो है पर्सन्स के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन ये कंटिन्यू इसमें बनी रहती हैं, क्योंकि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो सीवियर होती चली जाती है। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, या उतने तक जो है वो कंट्रोल नहीं होता, एक स्टेज पे आके कंट्रोल हो जाए तो भी पर्सन जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने सर्वाइव करना शुरू कर देता है उस स्टेज पे, उसके साथ अपनी डिसीज के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है डिसीज जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी आता है और इमोशनल चैलेंजेस भी उसको फेस करने पड़ते हैं। लाइक आपका एंजाइटी जो है, फियर, और जो है आपका इस जैसी प्रॉब्लम जो है उसको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है। सलाइवा जो है उन पर्सन्स का अंदर निकलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जो है वो बाहर भी निकलता है कुछ पर्सन्स का सलाइवा, तो ड्रूलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें भी पर्सन्स को देखनी पड़ती हैं कि खाना जब खा रहे हैं, खाना बाइट तोड़ने में, क्योंकि शिफरिंग हो रही है तो दिक्कत आ रही है, लेकिन च्यू करने में दिक्कत आ रही है, निगलने में दिक्कत आ रही है, स्लाइवा अंदर नहीं निगला जा रहा है, स्लाइवा फिर वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम इनमें देखनी पड़ती है, इन पर्सन्स को फेस करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया, इन पर्सन्स को चबाने में, निगलने में दिक्कत होती है, और इसके अलावा जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स जो है इन पर्सन्स में दिखाई देती है। स्लीपिंग प्रॉब्लम में ये पर्सन बॉडी में पेन हो रहा होता है, झटके आते हैं बॉडी में, तो जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती लंबे टाइम तक, या आती है तो वो जल्दी उठ जाते हैं। हालांकि मेडिकेशंस के द्वारा उन्हें स्लीपिंग दी जाती है, की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकेशन भी अदर कहीं जगह पे इफेक्ट करती है। नींद पूरी हो सकती है, जो मेडिकेशंस दी जाती है वो हेल्पफुल होती है सोने में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कहीं और नजर आता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है पर्सन्स में देखने को मिलती है। फिर जो बेहोश हो जाना, चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम, पेन जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन भी इन पर्सन्स में देखने को मिलता है।
इसके अलावा ब्लैडर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टॉयलेटिंग वगैरह करने में उनको दिक्कत आती है, यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन जो है इनको रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉजेज की ओर। कॉजेज के अंदर जो है हमारा सबसे पहले हमारी ये हेरिडिटरी डिजीज है, और जीन्स के अंदर रिसर्चर ने पाया कि कुछ जो चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, म्यूटेशन जो है सही नहीं होती है, प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। ये जीन्स जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है LRRK2, दूसरा जीन है PARK2, तीसरा जीन है PARK7, नेक्स्ट है हमारा PINK1, और नेक्स्ट हमारा जीन है SNCA। ये हमारे जो जीन्स हैं इसकी म्यूटेशन या प्रोटीन की कमी होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखने को पार्किंसन डिसीज दिखती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, इन्वायरमेंटल के वजह से भी हो सकता है पार्किंसन डिसीज, जैसे हमारा टॉक्सिन जैसी इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर आते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो भी किसी तरीके से जो है डिसीज होने का रिस्क फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। हालांकि अदर मैं जीन्स की बात करूं और इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करूं तो इन दोनों में इन्वायरमेंटल का जो लेवल है रिस्क फैक्टर कम है, जीन्स की जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं कॉज ये भी हो सकता है। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ पार्किंसन डिसीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इसी तरीके से आप कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर जल्दी काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पर और बहुत सारी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।